हम जो सेवा कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल के हम लोगों के चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसके बाद एक मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना के इस कार्यकाल में सेवा ही संगठन इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सेवा के कार्य किए और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिभाषा को भी बदला है। महामारी और संकट के समय में जहां लोगों को स्वास्थ्य की, भोजन की और रक्तदान की भी आवश्यकता थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के अभियान में इन विषयों को पूरा किया गया है और आने वाले समय में भी हम जानते हैं कि महामारी का संकट अभी पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों में स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य की बुनियादी विषयों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में हेल्थ वॉलेंटियर बनाने का कार्य भी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी पूरे देश में इस समय कोरोना की इस लड़ाई से जुटी हुई है और हम जानते हैं कि कोरोना के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो टीकाकरण का आह्वान दिया था वह टीकाकरण आज 27 करोड़ लोगों तक देश में हो चुका है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जितना अभी प्रयास किया जाना था उतना पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ टीका का सबसे ज़्यादा वेस्टेज हुआ है। अकेले जनवरी से मई के बीच में लगभग 11 लाख से ज़्यादा डोज टीके की यहाँ बर्बाद हुई जो कि 7%। संसद में क्या आप, क्योंकि कल एक परसों राजमेर में भी एक घटना हुई है 11 वर्षीय बच्ची के साथ में, तो उसके लिए भी कुछ ये पढ़ा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कानून व्यवस्था की स्थिति में राजस्थान बहुत बदहाली की स्थिति में है, क्योंकि सारी पुलिस और सीआईडी तो मेरे को लगता है पायलट साहब के पीछे लगा रखी है, अपराधी बेवकूफ लोग। सर, पेट्रोल डीजल के दाम जिस स्थिति से पहुंच रहे हैं, क्या लगता है जिस जिस सोच के साथ सरकार आई थी पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से भी तय होती है और हम इन सारे विषयों का ध्यान भी हमारी सरकार कर रही है और शीघ्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर इस पर कदम भी उठाए। और सर, केंद्र सरकार में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की चर्चाएं बहुत जरूरी है। मेरे विषय में ऐसा ध्यान नहीं है, हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं राज्य में। अभी वर्तमान में कांग्रेस में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की स्थिति क्या कहेंगे? कांग्रेस में सभी जगह सबकी स्थिति ऐसी चल रही है, कौन किस स्थिति में पता नहीं है। जो पार्टी अपना परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुन पा रही वो पार्टी तो खुद बेहाल है। गुजरात की जिम्मेदारी आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की भूमिका है? अगले वर्ष बिहार गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 बार गुजरात में जीती है। गुजरात को जिस प्रकार से विकास के मानकों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, निश्चित रूप से जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देगी। और मेरे को यहाँ आपको कहते हुए बड़े संतोष का विषय भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव हुए और पहली बार एक ऐसा राज्य बना है जहाँ 6 बार मैंडेट प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सभी जिला परिषद, 100% जिला परिषद, 100% नगर निगम, 85% से ज़्यादा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मैं चुनाव से पहले भी तापी, नर्मदा जिन जिलों में निझर जैसी सीट पर जो कभी कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देते थे,
वहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। आज आप देखिए, एक ट्राइबल क्षेत्र में भिंडी का उत्पादन होकर के आज वो उत्कृष्ट स्तर पे वहाँ के किसान किस प्रकार से अपनी तरक्की कर रहे हैं, ये विकास का एक वो मॉडल है जो सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को बढ़ाता है, सबको स्वस्थ रखते हुए विकास की अवधारणा को बढ़ाता है, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे पैमानों पर आगे बढ़ने की बात बढ़ता है। तो गुजरात में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। पिछली बार गहलोत साहब गए थे प्रभारी बन के, तो वापस आ गए थे। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस शायद विजयी या नहीं विजयी वो तय करेंगे। आम आदमी पार्टी भी अलग प्रदेश, लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है। देखिए, संगठन के अलग भी काम कर रहे हैं, हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी टीम इस चुनाव को लड़ेगी। राजस्थान को अशोक गहलोत जी की ये जो भ्रष्ट सरकार, इससे मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के साथ चुनाव में जाएगी। चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या बाद में, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। सर, भ्रष्टाचार की बात हो तो राजस्थान के अंदर भाजपा का नाम भी अभी अव्वल पे चल रहा है, चाहे वो ब्यावर नगर परिषद की बात हो या मांडलगढ़ के जो सभापति हैं उनकी बात हो, ये भी अभी ACP के अंदर ट्रैप हुए हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, जो अगर कानूनी विषय है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो कानून के विषय पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की एक आदत है कि वो लोगों को, खास करके अपने विपक्ष को, विभिन्न तरह की सीढ़ी से लेकर के केसों में उलझाने का उनका एक महारत हासिल है। हम हर कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, न्यायपालिका में हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत जी को ACP की कार्रवाई या स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार का काम हो रहा है इस पर भी करनी चाहिए। इस पर उनकी सरकार क्यों चुप है? लाखों टन मिट्टी उसमें डाली जा रही है। मिट्टी नहीं डाली जा रही है, आना सागर का स्वरूप में जो वेटलैंड था उस वेटलैंड को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी जानकारी में सारा विषय आया है और शीघ्र ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके संबंध में जो संघर्ष भी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की योजना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिटी का जो कंसेप्ट है वो पूरी सिटी का कंसेप्ट नहीं है। आप इसकी गाइडलाइन देख लीजिएगा, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट बनाया, कुछ वार्ड होगा मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी की जो केंद्र सरकार की मंशा है, भावना है, जिस उद्देश्य के साथ हम इसको लाके गए थे, क्योंकि अजमेर का अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्वरूप है, ये उसको पूरी तरीके से बदलने की, अजमेर में जो पानी का प्राकृतिक प्रवाह है उसको समाप्त करने की और अपनी मनमर्जी का एक कंस्ट्रक्शन करने की है जो अजमेर के स्थापत्य और सौंदर्य के भी खिलाफ है। और एक अनीता जी बता रही थी जिस प्रकार से नालों को खास करके उनके कॉन्स्टेंसी में ठीक करने की आवश्यकता है, बल्कि उसका दूसरा ही परिणाम हम देख रहे हैं, ये तो अजमेर में एक नई किस्म की बाढ़ की स्थिति को पैदा करने जा रहे हैं। हमारे दोनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हम शीघ्र ही इसके संबंध में पार्टी की तरफ से कार्ययोजना इसके खिलाफ और इसका सही प्रारूप जमीन तक पहुँचे, इसके लिए हम लड़ाई को लड़ेंगे। और हमारा मानना है कि बहुत संवेदनहीनता के साथ उन्होंने इस स्थिति को बिगाड़ने का ही काम किया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस समय ऑक्सीजन का संकट था, राजस्थान में केवल 115 मैट्रिक टन की उपलब्धता थी, उसको बढ़ाकर एक समय तो 650 मैट्रिक टन तक किया गया। बोकारो से स्पेशल रेलवे ट्रेन लाई गई, 10 से ज़्यादा ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए गए और PM केयर्स के द्वारा भी विभिन्न जिलों में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, इसकी भी उपलब्धता कराई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि संकट का समय राजनीति का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से, मदद देने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ आने के बाद मुझे हमारे दोनों विधायक, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व महापौर और सभी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अजमेर में जिस स्मार्ट सिटी योजना को भारतीय जनता पार्टी में हम लोग लेकर के आए थे, आज वो स्मार्ट सिटी परियोजना अपने आप में भ्रष्टाचार का उदाहरण बनने जा रही है। पार्टी की यहाँ एक छोटी सी समिति इस पर एक शीघ्र रिपोर्ट भी तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को हम ऊपर के स्तर तक लेकर जाएंगे, लेकिन अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प हमने किया था उसमें जो भ्रष्टाचार के रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे।
हम अपने विपक्ष के काम को कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है लोगों की आवाज को उठाना। आज राजस्थान में शिक्षा की बदहाली, आज राजस्थान में चिकित्सा की बदहाली, आज राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति की बदहाली। मैं अलवर और इसके पूरे क्षेत्र को लगातार मैं लगातार देख रहा हूँ। आज तिजारा में जितना ज़्यादा अपराध है, मतलब NCR का सारा अपराध ही तिजारा में हो रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान सरकार क्यों चुप बैठी है। और आज राजस्थान में इतने दिनों से हाईवे जाम पड़ा, सरकार कुछ नहीं कर रही है।